गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ अवर सोशल साइंस क्लास फ्रॉम क्लास 9. सो वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर हिस्ट्रीज चैप्टर 3, दैट इज नाज़िम एंड द राइज ऑफ हिटलर. सो दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ अवर 3rd चैप्टर. सो हमने इससे लास्ट वीडियो में देखा था कि जिसमें हमने इकोनॉमिक डिप्रेशन को डिस्कस करा था, जिसमें यूएसए ने जर्मनी को बहुत हेल्प की थी, क्राइसिस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर लाया था. लेकिन जब यूएसए का जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट था, यानी कि वॉल सीक्रेट एक्सचेंज, जब वो ख़त्म हो गया था, क्रश्ड हो गया था, तो उससे उसको इतना नुकसान हुआ कि उसकी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, ट्रेड कम हो गया था, फार्मर्स को भी प्रॉब्लम हुई थी, और जिनने मनी बाहर लगाया था, स्पेक्युलेटर्स ने अपना मनी हटा लिया, वापस ले लिया था, और शेयर मार्केट भी बहुत ज़्यादा गिर गया था. ठीक है, तो इस कारण से इसको हम सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसेशन, या इसको हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से जानते हैं. द जर्मन इकनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय द इकनॉमिक क्राइसिस. इसलिए जो जर्मन की इकनॉमी थी, वो इस समय सबसे ज़्यादा वहाँ इकनॉमिक क्राइसिस थे, यानी सबसे ज़्यादा इकनॉमिक प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, जो अब तक वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं हुआ था जैसा वहाँ हुआ. बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 1929 के कंपैरिजन में हम देखें तो 40% कम हो गया था. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस. या तो वर्कर्स की जॉब उनसे छिन गई थी और जिनके पास थी उनकी वेजेस बहुत कम थी. द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड टच्ड और अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन. और जो अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो जिनके पास बिल्कुल करने के लिए कुछ नहीं था, अनएम्प्लॉयड लोग 6 मिलियन थे, या फिर हम प्रेसिडेंटेड कह देते हैं, मतलब जिनके पास कुछ भी करने के लिए काम नहीं था, ऐसे 6 मिलियन लोग थे. ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू शुड सी मैन विद प्लेस कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क. और लोग इतने ज़्यादा खाली थे, इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थे, कि अब वो सड़कों पे आके कहते थे विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार है. अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट इन स्ट्रीट कॉर्नर्स और डिस सेपरेटली क्यूड अप इन द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. और वो क्या करते थे, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, चाहे वो यूथ थे, मतलब यंग थे या बड़े थे, लेकिन या तो वो सड़कों पे बैठ के कार्ड्स या खेलते थे प्लेइंग कार्ड्स, या फिर वो सिंपली स्ट्रीट कॉर्नर्स, मतलब सड़कों के कॉर्नर पर बैठे रहते थे, या फिर इधर उधर घूमते थे लोकल एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए. एज जॉब्स अपीयर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकॉज कॉमन प्लेस. और क्या हुआ था, क्योंकि जॉब्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी और ख़त्म हो गई थी, डिसअपीयर्ड, इस वजह से जो यूथ था अब वो ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ रहा था. द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंगजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल. तो इसलिए जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एंगजाइटी हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अंदर से डर भी गए थे. द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिशमिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट वैल्यू. और जब करेंसी की वैल्यू बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो उस समय जो मिडिल क्लास होते थे, यानी कि जिनके पास अपना एम्प्लॉयमेंट था, जिनकी सैलरी आती थी या जिनके पास अपनी पेंशन आती थी, उनको भी उनकी सेविंग ख़त्म होती दिख रही थी, डिमिनिश कम होती जा रही थी, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू थी वो गिर गई थी. स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते थे, या सेल्फ एम्प्लॉयड और रिटेलर्स, ये जो अपना खुद करते थे काम, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते थे, बिजनेसमैन होते थे, जो वो थे रिटेलर्स, या खुद का जैसे रिटेलर्स की शॉप होती है ना, जो इनको बोलते हैं रिटेलर्स, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई, इसके कारण बहुत सफ़र करना पड़ा, बिजनेस गॉट रुइंड, उनके जो बिजनेस थे वो पूरे के पूरे ख़त्म होते जा रहे थे. द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन, बोलेंगे हम इसे प्रोलेटेरियनाइजेशन, एंड एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड. अब क्या हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, प्रोलेटेरियनाइजेशन का मतलब होता है कि जो लोगों का वर्क करने का लेवल था वो बहुत ज़्यादा कम होता था, क्योंकि वर्क तो वो वही करते थे, लेकिन जो उनकी वेजेस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. ठीक है,
तो इनको ये भी डर था कि जो उनकी वेजेस थी कम हो गई थी, जो उनका वर्क का लेवल था वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा था. रिड्यूस टू रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लासेस द वर्क्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो वर्क कर रहे थे जो नहीं करते थे उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि जो वर्क करते उनको बहुत कम वेजेस मिल रही थी और उनके काम का करने का जो वर्क का मतलब हम कर सकते हैं लेवल था वो बहुत गिरता जा रहा था. ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, और ओनली जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स होते थे यानी कुड मैनेज, वो ही इस चीज़ को मैनेज कर पाते थे कि टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. क्या होता था कि जो सारा इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन थे इकनॉमिक क्राइसिस थे उस टाइम पर सिर्फ कुछ वर्कर्स ही होते थे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ठीक है. तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो ही इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे थे सिर्फ कि हेड्स अबव द वाटर, यानी कि मतलब एक हम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं कि सिर्फ वही लोग थे जो हर चीज़ को ढंग से मैनेज कर पा रहे थे, जिनके पास इतना मनी आ रहा था कि वो हर चीज़ को अच्छे से अभी भी मैनेज कर सकते थे. बट अनएम्प्लॉयड वीकेंड, लेकिन क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था तो इसलिए जो उनकी बार्गेनिंग करने की पावर थी वो कम होती जा रही थी. बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, और जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो भी अब ख़त्म होते जा रहे थे. क्राइसिस मतलब कमी हो रही थी. द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टोमक वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर. अब क्या होता था कि जितने भी ज़्यादातर पीजेंट्स थे वो बहुत, जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, बहुत गिर गए थे. तो इससे बहुत सारे पीजेंट, क्योंकि ज़्यादातर पीजेंट्स ही होते थे तो मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को नुकसान हो रहा था, और जो वुमेन थी उनके पास इतना भी नहीं होता था कि वो बच्चों के पेट भर सकें. पॉलिटिकली टू वैमर रिपब्लिक वॉज फ्रेगाइल. द वैमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड कम इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वैल्यूनरेबल टू डिक्टेटरशिप. और इन सब की प्रॉब्लम्स को जो सबसे ज़्यादा किसी का मतलब कारण माना जा रहा था वो था वैमर रिपब्लिक, कि वैमर रिपब्लिक की वजह से सब कुछ ऐसा हुआ है. वन ऑफ द प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क. ये माना जा रहा था कि अगर कोई एक पार्टी जीत जाती है तो वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती, इसलिए जर्मनी में ऐसा हुआ था. लीडिंग टू रूल बाय कोलाइजन, कि उनके रूल के कारण जो पूरी जर्मनी की इकनॉमी थी वो ख़त्म होती जा रही थी, कोलाइड कर रही थी. अनादर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी. और आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी टाइम एमरजेंसी को अनाउंस कर सकते थे, एमरजेंसी लगा सकते थे. सस्पेंड सिविल राइट्स, जिसमें लोगों के जो राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे. एंड रूल बाय डिस्क्रेट, और सिर्फ किसका रूल होगा उस समय, प्रेसिडेंट का. विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वैमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज एंड अ लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48. सो बहुत ही शॉर्ट टाइम पे वैमर रिपब्लिक जो थे वो लोग ये चाहते थे ज़्यादातर कि 20 डिफरेंट कैबिनेट्स मिनिस्टर्स की वहाँ पे मीटिंग हुई थी लास्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि कम से कम ऑन एन एवरेज 239 डेज के लिए आर्टिकल 48 को वर्क करना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट पावर अप्लाई कर देनी चाहिए. येट दिस क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, पर फिर भी ये क्राइसिस जो थे मैनेज नहीं हो पाए. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू बी ऑफर्ड नो सोल्यूशन. और क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी वैमर रिपब्लिक कुछ भी संभाल नहीं पाई, इसलिए लोगों का जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो गया था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. ठीक है, अब हम हमारा सेकंड पार्ट देखेंगे जो है हिटलर्स राइज टू पावर. तो क्योंकि लोगों का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बिलीव कम होता जा रहा था तो उन्हें ये लगने लगा था कि उनके लिए डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ठीक है.
दिस क्राइसिस इन द इकनॉमी पॉलिटिक एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू द हिटलर राइज टू पावर, क्योंकि इकनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई थी, पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, अनकॉन्फिडेंट थी, इसलिए इस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के जो हिटलर था वो बहुत ज़्यादा पावर में आ गया था. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. Hitler का birth जो है वो 1889 का है. कहाँ पे हुआ था? Austria country में. और वो हमेशा बचपन से उनने गरीबी को देखा था. Youth in poverty मतलब बचपन से लेके गरीब बड़े होने तक वो गरीब थे. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in front, became a corporal एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी. और क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, मतलब ख़त्म ही होने वाला था, शुरू ही हुआ था हम कह सकते हैं, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट यानी शुरू हो गया था, उस समय उनको आर्मी में एनरोल कर लिया गया था, मतलब वो उनका आर्मी में नाम चला गया था, और उस समय उनको एज अ मैसेंजर की तरह वर्क मिला था कि उनको सब तक मैसेज पहुंचाना होता था. एंड उस समय उनने उस काम को इतने अच्छे से करा कि उनको हर चीज़ के लिए मेडल दिया गया, और उनकी बहादुरी के लिए भी उनको मेडल दिया गया था. द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सैलिस ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. लेकिन जो जर्मनी था उस समय वो डर गया था बहुत ज़्यादा हारने के कारण, और उसको ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस से भी बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस क्या थी और उसमें कितना ज़्यादा कंपनसेशन के एज अ कंपनसेशन जर्मनी को देना पड़ा था. In 1919 he joined a small group called German workers. और 1919 में उनने जर्मन वर्कर्स का ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसको किस नाम से जाना गया, स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसे जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से ग्रुप को जाना जाता था. ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट्स नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर. और जब हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन करा तो उनने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर कर दिया था. This party came to be known as the Nazi. और बाद में इस पार्टी को नाजी के नाम से जाना जाता था. In 1923, the Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. और फिर 1923 में हिटलर ने बवारिया को सीज करने का, यानी कि अपने कंट्रोल में करने का प्लान करा, और फिर वो मार्च यानी उससे आगे चलते चलते बर्लिन तक पहुँचे और उस एरिया को भी अपने एरिया पावर से कैप्चर कर लिया. ही फेल्ड वॉज अरेस्टेड ट्राइड फॉर ट्रेजर एंड लेटर रिलीज. और उस समय उनने वहाँ का जो ट्रेजर था, यहाँ की मतलब वहाँ की जो सारी हम कह सकते हैं कि ट्रेजर कोष था, उसको अपने अंडर ले लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया था. द नाजी कुड नॉट अफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s. और नाजी जो है बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी 1930 तक, उसको लोगों का सपोर्ट इतना नहीं मिल पाया था. It was during the Great Depression that Nazism became a mass of movement. लेकिन जब Great Depression का time आया था तो Nazism को बहुत सारे लोगों का support मिला था, क्योंकि उसने लोगों को support किया था, जो सब लोग थे उसने उनको अपनी तरफ कर लिया था. As we have seen after 1923, banks collapsed and business shut down. हमने अभी जैसा पहले देखा 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो जितने भी बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, बिजनेस बंद हो गए थे, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, और वर्कर्स की जो जॉब्स थी वो भी ख़त्म हो गई थी. एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन्ड एंड डेस्टिट्यूशन. और जो मिडिल क्लास थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे. इन सच सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा स्टर्ड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर. तो ऐसी कंडीशन में नाजी का प्रोपोगेंडा, मतलब नाजी की पॉलिसी ये थी, नाजी पार्टी थी और हिटलर की पॉलिसी ये थी कि वो सबको बेटर फ्यूचर की होप, यानी कि एक आशा देता था कि उनका जो फ्यूचर होगा उस वो उनको अच्छा करेगा. 1928 द नाजी पार्टी गॉट मोर देन 2.6% वोट्स इन द रिचस्टैग द जर्मन पार्लियामेंट. और फिर जर्मन पार्लियामेंट में नाजी पार्टी को 2.6% वोट्स मिले थे.
By 1932, it had become the largest party with 37% votes. और 1932 में नाजी सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली पार्टी बन गई थी. मतलब जो नाजी थे, ग्रुप ऑफ पीपल था, और जो हिटलर थे, उनने इस समय पे सबसे ज़्यादा मतलब जो कंट्री थे, लोगों को अपनी साइड कर लिया था, ये कह के कि वो उनका फ्यूचर अच्छा करेंगे. ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.